सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड इट्स यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे हमारे एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक फ्लैगशिप फोन ही आप यहां पर कह सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। जो फोन है वो कुछ आपको यहां पर 14,999 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप यहां पर रियलमी का 6 लेना चाहते हैं, रेडमी के नोट 9 प्रो को खरीदना चाहते हैं, तो उन स्मार्टफोन्स की जगह पे आपको इस स्मार्टफोन के बारे में जरूर से एक बार यहां पर सोचना चाहिए। या फिर अगर आप एक यहां पर गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो एक नंबर की आपको यहां पर देखने के लिए मिलनी चाहिए और यहां पर कैमरा क्वालिटी वगैरह सभी कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आप यहां पर 15,000 रुपए की रेंज में इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। आपको 6GB रैम और यहां पर 256GB स्टोरेज, ये इसका बड़ा यहां पर प्लस पॉइंट है कि आपको यहां पर 15,000 रुपए में 256GB स्टोरेज यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, इसके साथ 6GB की रैम मिल रही है। अब कौन सा स्मार्टफोन है, क्या कुछ डिटेल है, सभी कुछ आपको यहां पर इस वीडियो में क्लियर करने वाला हो। तो फाइनली ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहां पर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर ऑनर की तरफ से आने वाला, जो कि इसी साल यहां पर लॉन्च किया गया है, और ये जो स्मार्टफोन है वो है ऑनर का 9X प्रो स्मार्टफोन। अब यहां पर आपको ऑनर के नाम से डरना नहीं है, ऑनर का ये जो स्मार्टफोन है वो काफी हद तक यहां पर बेटर है। इसमें आपको जो प्रोसेसर यहां पर दिया गया है वो है यहां पर क्रीन का 810 प्रोसेसर। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं मीडियाटेक के हेलियो G90T से, तो ये जो क्रीन का 810 प्रोसेसर है इसमें आपको जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, वो यहां पर आप कह सकते हैं 25-30% फास्टर यहां पर देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो गेमिंग में हो या फिर किसी भी और यहां पर मायने में हो, आपको मीडियाटेक के हेलियो G90T से अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उसके रियलमी 6 के जगह पे भी मैं आपको यहां पर ऑनर के 9X प्रो को यहां पर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहां पर जो मीडियाटेक का हेलियो G90T है इसमें काफी हद तक हमें यहां पर हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। गेमिंग अगर हम करते हैं तो उस केस में ये जो स्मार्टफोन है वो काफी बेस्ट है यहां पर। इसके साथ बात करता हूं स्मार्टफोन कैमरे के बारे में, तो यहां पर कैमरे के मामले में भी ये जो स्मार्टफोन है वो पीछे नहीं है। यहां पर आपको 48 MP का ट्रिपल रियर कैमरा पीछे की साइड देखने के लिए मिलता है, 16 MP का फ्रंट कैमरा, आपको यहां पर पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, यह भी एक प्लस पॉइंट है कि यहां पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके साथ यहां पर आपको 6.59 इंचेस का एक फुल HD फुल व्यू डिस्प्ले, ना तो नॉच है ना तो पंचोल है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा डिस्प्ले यहां पर बेजल डिस्प्ले है और यहां पर फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट के बारे में, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया 6GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर 15,000 रुपए पे करना है। इसके साथ यहां पर आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की साइड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छा, काफी बेटर है। इसके साथ इस स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ एक यहां पर आप कह सकते हैं डीमेरिट है इस स्मार्टफोन का, जो कि है इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा। यहां पर आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड पे आता है और यहां पर आप अपने किसी और भी स्मार्टफोन से जाकर के जो भी एप्स वगैरह है वो यहां पर बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से सिक्योरिटी के साथ में यहां पर उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और उस स्मार्टफोन को यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप गूगल प्ले स्टोर से ना सही और भी काफी सारी वेबसाइट्स आती हैं जहां से आप कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन वो काफी अच्छा लगा मुझे। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक्चुअली बताऊं, यहां पर इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। यहां पर जो क्रीन का 810 प्रोसेसर है इसमें आपको जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है वो काफी ज्यादा तगड़ी है। गेमिंग के लिए दोस्तों अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको 15,000 रुपए में ये एक बेस्ट स्मार्टफोन, आप यहां पर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही से यहां पर बोल सकते हैं, जो कि 15,000 रुपए में आता है। अब दोस्तों अगर आप यहां पर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो सेल है वो यहां पर फ्लिपकार्ट पे होने वाली है। फिलहाल यहां पर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन जल्दी ये स्मार्टफोन स्टॉक में आने वाला है। ऑनर का स्मार्टफोन है और जल्दी अगर आप इसे परचेस यहां पर करना चाहते हैं तो जाकर के यहां पर परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका क्या कहना है यहां पर इस स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन यहां पर कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली दोस्तों यही था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।